हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक कटिंग लेकर आई हूँ जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी। आप लोगों के पार्लर में भी इस तरीके की कटिंग आती होंगी क्योंकि मैं अपना चैनल जो है वो बिगनर लोगों के लिए चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्लर का जो रियल काम होता है वो आप लोग देखें और आप लोग उससे कुछ सीखें और अपने पार्लर में उन चीज़ों को लेकर जाएं। और मैं आप लोगों को आज काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कटिंग करने की जो मेरे पार्लर में होती हैं। ये जो कटिंग है ये बहुत ही क्विक होने वाली कटिंग है। आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी एडवांस कटिंग चल रही हैं, उनमें से ये एक कटिंग है और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसको लेज़र विद स्टेप बोल सकते हैं, आप इसको स्टेप कट बोल सकते हैं। बट ये जो एक कटिंग है ये एडवांस कट है। किस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा फिजी अगर आपके हेयर हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से आपने अपने बालों में कोई कटिंग ना कराई हो, बहुत ज़्यादा रफ आपका अगर बाल है तो आपको उसमें इसी तरीके की कटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इनके बालों में पानी का स्प्रे करके बहुत अच्छे से कॉम किया, एक एक बाल को बहुत अच्छे से सुलझाया। और उसके बाद देखिए, आप लोग देख सकते हैं इनके कुछ कुछ बालों को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। इनका आगे का बाल ऑलरेडी काफ़ी छोटा है तो हमें उसे काटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े बालों को एक साथ आगे लेते रहिए और अच्छे से कट मारते रहिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको ये आगे बाल लेने हैं। देखिए, इस तरीके से आप कॉम की हेल्प से फिंगर में फंसाइए बाल और इस तरीके से जो इनका आगे का बाल हम लोगों ने कट किया था, छोटा, जो काफ़ी छोटा बाल था, उसके साथ में हम लोगों को उसको मिलाते चले जाना है हल्की सी टेढ़ी करते हुए कैंची। तो आप देखेंगे कि ये जो कट है ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छी शेप के साथ गिरेगा और इनके जो बाल हैं उसमें बहुत अच्छी एक फिनिशिंग आ जाएगी। जितना भी इनका डेड बाल है वो सब कटिंग में निकल जाएगा और इनका बाल बहुत ही बाउंसी और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो जो इनकी कटिंग है वो हम इस तरीके से कर रहे हैं। थोड़े थोड़े सेक्शन आप लीजिए, कॉम में फंसाइए, फिंगर में फंसाइए और उसके बाद में जो अब बाल आप कट करते चले जा रहे हैं उसी कटिंग के साथ में आप इन बालों को भी मिलाते चले जाइए। देखिए इस तरीके से। तो आप लोग जो हैं ये बिल्कुल मत सोचिए कि बाल छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे नहीं होते हैं। आगे लाके जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, इस एक तरीके से ये लेज़र में कट हो रहा है तो इस तरीके से जब हम लोग कट करते हैं तो वो कटिंग कभी भी पीछे जाके छोटी नहीं होती, मतलब लेंथ कम नहीं होती है क्लाइंट के बालों की। बट क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा रफ़ बाल होता है वो निकल जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग उसी के साथ में गाइडलाइन के साथ में मिलाते चले जाएंगे इन बालों को और आप देखेंगे इतनी प्यारी सी शेप आएगी, बहुत प्यारी शेप आती है और बाल जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट आप लोगों को फिंगर में जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये बालों में हाथ में फंसाने हैं। बहुत अच्छे से अपनी फिंगर के बीच में इन बालों को फंसाते चले जाइए और बहुत अच्छे से कट करते चले जाइए। तो इस तरीके से अगर आप अपने पार्लर में कट करते हैं तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत क्विक होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। देखिए एक साइड से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लेज़र आया है और इस तरीके से आप लोग अगर करेंगे तो आपकी डेफिनेटली आपके क्लाइंट जो हैं वो बहुत खुश होकर जाने वाले हैं। और दूसरी साइड भी देखिए, हम इधर को आ गए हैं इसी तरीके से। पहले हमने हाफ कट किया दूसरी साइड से और अब हम हाफ कट करेंगे इधर की साइड से। तो हमने जो बालों को है वो दो हिस्सों में बांटा और उसके बाद आधे बाल हमने एक साइड से कट किए और आधे बाल हमने एक साइड से कट किए। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो इनका आगे का बाल था हमने उसी को गाइडलाइन बनाया है और क्योंकि काफ़ी छोटा था इनका आगे का बाल और उन्हीं बालों के साथ में हम लोग छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों को जो है वो फिंगर के बीच में फंसा के और थोड़ी सी टेढ़ी कैंची हम लोग चलाते हुए, देखिए इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी कैंची चलाते हुए इन बालों को कट करते चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को अगर कटिंग का मेथड समझ में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए कटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पार्लर में बहुत ही इजी मेथड से कटिंग होती हैं। आप लोगों ने मेरी पहले भी काफ़ी वीडियो हेयर कट की देखी होंगी जिसमें मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ और इस तरीके की जो कटिंग होती हैं वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि आजकल ये ही कटिंग इन है, ये एडवांस कट हैं। ये जितने भी कट होते हैं, जितने भी मैं आपको अपने बताती हूँ चैनल पर, वो सारे एडवांस कट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उनको जब इस तरीके से करेंगे तो आपकी कटिंग जो है वो बहुत प्यारी होगी। तो सबसे पहले हम लोग आगे लेके कटिंग कर रहे हैं, हाफ बाल एक साइड और हाफ बाल एक साइड। अब देखिए हमने जो ये सारे बाल एक साइड के पूरे अपने फिंगर में फंसा लिए और उसके बाद जो हमने अपनी गाइडलाइन तैयार की थी उसी गाइडलाइन के साथ में हम लोग जो हैं वो कट करते चले जा रहे हैं हल्का सा टेढ़ी कैंची चलाते हुए। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लेज़र आके गिर रहा है। इस तरीके से आप लोग प्योर लेज़र भी कर सकते हैं। अगर आप इन बालों को यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो ये प्योर लेज़र हो जाएगी, बट हमें इनके बालों में थोड़ा सा बाउंसी दिखाना है बाल, क्योंकि इनका बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट था, बहुत कम था इनके सर पर बाल और बहुत ज़्यादा फिजी था। तो हमें इनके सारे फिजी हेयर निकालने हैं और बहुत अच्छे से इन्हें कटिंग देनी है। अब आप देख सकते हैं अब डाल रही हैं ये स्टेप,
इस तरीके से जब हम लोग कटिंग करते हैं तो हमारे बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है, हमारे बालों में एक फिनिशिंग आ जाती है। सारे बालों को हमने पीछे ले लिया, उसके बाद में हमने उनमें बहुत अच्छे से कॉम की, फिर हमने सेंटर से बाल उठाए और उन सेंटर के बालों को जो है अपनी फिंगर में फंसा कर सीधा खड़ा करके जो है वो कट कर दिया। जितना बाल भी हमें लग रहा था कि हमें एक्स्ट्रा निकालना चाहिए, वो हमारे ऊपर होता है कि हम लोगों को कितना कटिंग जो है वो कितने बालों में करनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हम लोग ऊपर को उठा रहे हैं और हम लोगों ने जो पहला कट मारा था उसी से हम दूसरे कट को भी मिला देंगे। तो ये जो कट है ये स्टेप हो रहा है, इस टाइम इनके बालों में स्टेप हो रहा है और पहले इनके बालों में लेज़र हुआ। तो ये है लेज़र विद स्टेप, जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कटिंग, एक तरीके से आप इसको लेज़र विद स्टेप भी बोल सकते हैं, बट ये आजकल के एडवांस कट में आती है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरीके की कटिंग। अब आप देख सकते हैं अब आ गए हम लोग साइड में। तो जो हमने सेंटर से बालों की कटिंग की थी उसमें से हम कुछ बाल लेंगे और हम साइड का बाल लेंगे और उन सब बालों को एक साथ मिलाएंगे और इस तरीके से देखिए उनमें कट मार देंगे। जो हमारा सेंटर से हमने कटिंग की थी वो बाल हमें दिखाई देगा, उस कटिंग के साथ में हमें वो आगे की और कटिंग जो हम कर रहे हैं उसको मिलाना है हमें। तो ये इनके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छी इनकी कटिंग लगेगी। और मेरे जो क्लाइंट हैं वो बहुत खुश होकर गई थी ये कटिंग कराने के बाद, तो उनको क्योंकि काफ़ी पसंद आई थी। अब देखिए दूसरी साइड भी हम लोग इसी तरीके से आ गए हैं, दूसरी साइड भी हम लोग फिंगर की हेल्प में इस तरीके से बाल फंसाएंगे और उनको कट कर देंगे जो भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है अपनी गाइडलाइन से बाहर। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी कटिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी लगने वाली है, आपके बालों में बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आएगा, आपके बालों में बहुत अच्छी एक शेप आएगी और आपके बाल बहुत ही साफ़ सुथरे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं अब दे रही हैं ये शेप, ये इतनी कटिंग करने के बाद हम लोगों ने बाद में शेप दी है, क्योंकि पहले हम लोगों ने कटिंग पूरी कर दी और उसके बाद हम एक्स्ट्रा हेयर निकाल रहे हैं इनका जो नीचे से काफ़ी फिजी हो रहा था। तो ये हमने डीप यू शेप दी है इस टाइम और आगे से हल्का सा जो है वो ट्विस्ट कट डाला है, थोड़े से बाल हाथ में लेके और उसमें हल्की सी स्लाइसिंग की है बालों में कैची की हेल्प से कुछ कुछ बालों वाली, और अब हम बालों को मिला रहे हैं। देखिए इस तरीके से अब हम लोग फिंगर की हेल्प से सारे बालों को मिलाते चले जाएंगे ताकि कोई भी बाल ऊंचा नीचा ना रहे। और इनकी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन है, बहुत अच्छी कटिंग हुई थी, बहुत प्यारी कटिंग हुई थी, जितना भी इनका फिजी हेयर था वो सब हमने कटिंग में निकाल दिया और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे क्लाइंट को भी ये कटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को बहुत ही थिन हेयर मिले या बहुत ही फिजी हेयर मिले तो उसमें आप इस तरीके की कटिंग कर सकते हैं, इससे आपका बाल थोड़ा सा बाउंसी लगेगा, काफ़ी बाउंसी लगता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बाउंसी लगता है और आपके बालों में बहुत ही साफ़ सुथरी कटिंग दिखाई देगी। जो भी आपने अपने बालों में कराया है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और अब हम इधर भी स्लाइसिंग करेंगे। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, देखिए हल्की सी हम लोग को ना ऐसे इस तरीके से कैंची चलानी होती है, इसमें हमने बहुत थोड़े से बाल आते हैं हमारे हाथ में, बट क्या होता है ना एक शेप बन जाती है। तो देखिए आप देख सकते हैं इस टाइम इनकी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन है। आगे से इन्हें बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कराने थे क्योंकि ऑलरेडी इनका बाल काफ़ी छोटा था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।